नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर लोकेश कुमार मीणा, वैज्ञानिक कीट विज्ञान भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान इंदौर में कार्यरत हूँ। मैं आज आपको सोयाबीन में जो मिट्टी से जनित कीड़े लगने वाले हैं उसके बारे में बताऊंगा। विगत वर्षों में मिट्टी से लगने वाले दो प्रमुख कीड़े पाए गए हैं। ये है एक सफ़ेद लट, इसको वाइट ग्रब भी बोलते हैं, इसको सफ़ेद सुंडी भी बोलते हैं। ये बहुत प्रमुख कीट आजकल के सोयाबीन में लगता हुआ पाया गया है। इसकी दो अवस्थाएं होती हैं, अवयस्क और वयस्क। ये दोनों अवस्थाएं मतलब सोयाबीन की फसल को खाती हैं। अवयस्क अवस्थाएं ज़मीन में रख करके सोयाबीन की जड़ों को खाती हैं, और यदि अपन सोयाबीन को देखते हैं तो ये पूरा पीला पड़ के सूख जाता है, और उखाड़ते हैं तो आसानी से उखड़ जाता है, इसकी जड़ें वड़ें नहीं मिलती। और इसको ढूंढने के लिए यदि अपन खोदते हैं तो 10-15 सेंटीमीटर की अवस्था में 2 से 3 लार्वा या 1 लार्वा या ज़्यादा लार्वा भी मिल सकते हैं। इसकी वयस्क अवस्थाएँ होती हैं जो पत्तियों को खाती हैं, जो होल बना करके खाती हैं। और इसके बारे में कि इसके जीवन चक्र के बारे में आज थोड़ा सा बता देता हूँ। ये नीम के पेड़ या बबूल के पेड़ में प्रजनन करता है, जो कि सात के शाम को 6 से 7 बजे के आसपास से प्रजनन करता है। वहीं पत्तियों को खाता है, प्रजनन करके 7-8 बजे के बाद गोधूली के टाइम में ये मिट्टी में अंडे देने के लिए चला जाता है, और ज़मीन में अपने ओविपोजिटर से 10 से 15 सेंटीमीटर की गहराई में अपना अंडा दे देती हैं, और उसके बाद बाहर आ जाती हैं। और अब इसके नियंत्रण के बारे में कुछ आपको उपाय सुझाऊंगा, जिसमें से कुछ तो कल्चरल है, कुछ मतलब केमिकल है। कल्चरल के लिए जैसे कि शाम के टाइम में 6 या 7 बजे के टाइम में खेत में अगर बबूल या नीम का पेड़ है तो उसको हिला करके नीचे चादर बिछा दें या तिरपाल बिछा दें, ज़ोर से हिला दें, जिससे कि सारे कीड़े गिर करके उस चादर या तिरपाल में गिर जाएंगे। उसको इकट्ठा करके किसी एक गड्ढे में डाल दें, बाद में उसमें केरोसिन का तेल या इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करके उसको मार सकते हैं। इससे बहुत सारी मात्राओं में इसका कंट्रोल किया जा सकता है।